247 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने बालाघाट पहुंचे प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बी कांताराव। कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दिए जाने पर समाज के लोगों ने कराया मुंडन। भाजपा को वोट न देने की ली शपथ, निकाली महारैली, सम्मेलन में गर्जे पदाधिकारी। आईटीआई के प्राचार्य पर ट्रेनिंग ऑफिसर ने लगाया मारपीट का आरोप, कोतवाली थाने में दर्ज करवाई शिकायत। नगर भाजपा मंडल ने जिला निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन, समाजवादी पार्टी नेता कंकर मुंजारी की शिकायत। वायरल वीडियो से जुड़ा है मामला। और डोरली के कोटवार ने घर में लगा ली फांसी, करीब एक साल से लकवा से पीड़ित था मृतक। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार बुधवार को बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्ट्रेट कार्यालय में विधानसभा चुनाव 2018 से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। चुनाव तैयारियों को लेकर की गई इस चर्चा में जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर डीवी सिंह, आईजी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी इरशाद वली, रिटर्निंग ऑफिसर एसडीएम केसी बोबचे, अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम और एसपी जयदेवन ए सहित अन्य अधिकारी और सभी नोडल अधिकारी उपस्थित रहे, जिनके समक्ष मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव और भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त चंद्रभूषण कुमार ने विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था, आदर्श आचार संहिता, मतदान केंद्रों और मशीनों की तैयारियां, मतदान बढ़ाने का प्रतिशत सहित सुरक्षा के इंतजामों पर विस्तृत चर्चा की। सर जी, सर जी, हो गया। कलेक्टर कार्यालय में आयोजित इस बैठक के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि बालाघाट नक्सलाइट जिला है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में जितने भी फोर्स है उनमें सबसे ज्यादा फोर्स बालाघाट में लगाई गई है। देखिए, मुख्य मुद्दा तो यहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर, आदर्श आचरण संहिता, मतदान केंद्रों की तैयारी, मशीनों की तैयारी और जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की जो तैयारी है, ये हमारे मुख्य मुद्दे। सर, बालाघाट नक्सल प्रभावित जिला है और सुरक्षा के इंतजाम को लेकर क्या है? पूरे इंतजाम रहेगा। जो मध्य प्रदेश में जो हमारी जितनी भी फोर्स मिल रही है उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स बालाघाट जिले में दिया जा रहा है। सर, एक रोगी कल्याण समिति के तहत उनको सहायता दी जाती थी मरीजों को, उस पर चुनाव आयोग ने, देखिए, जो राशि दी जाती है स्वेच्छानुदान राशि, उसमें ये निर्देश है कि यदि किसी अस्पताल में आपने इलाज कराया और उस अस्पताल को सीधा पेमेंट करना है तो उसमें कोई रोक नहीं है, लेकिन यदि आपके स्वेच्छानुदान राशि हितग्राही के हाथ में यदि दिया जा रहा है तो हितग्राहियों के हाथ में 6 अक्टूबर के बाद नहीं दिया जाएगा। वो किसी अस्पताल में इलाज करा दे, हम डायरेक्टली अस्पताल का पेमेंट करा देंगे। सर, सुरक्षा की यदि बात की जाए तो हमको बताया कि बहुत से थाना है प्रदेश में पाली जिसमें कि निचले स्तर के अधिकारी नहीं पर्याप्त नहीं है या निचले स्तर के अधिकारी हैं नहीं, फिर चुनाव में उनको ड्यूटी कैसे लग पाए, कैसे उसको भरपाई करें? देखिए, हमारे पास बहुत सक्षम सहायक निरीक्षक स्तर के अधिकारी हैं। यही मुद्दा तहसीलदार और नायब तहसीलदार में भी है। कई सारे तहसील ऐसे हैं जो नायब तहसीलदार के स्तर के अधिकारियों से काम हम करा रहे हैं। मुद्दा यह है कि वो लोग प्रशिक्षित हैं, वो सक्षम है और काम करेंगे।
नहीं सर, क्राइटेरिया जो बनाया उसमें निरीक्षकों की मांग की गई थी, आपने बताया था निरीक्षक होना चाहिए, आपने बनाया था निरीक्षक जहाँ नहीं है हमने कोशिश किया है, जितने अधिकांश स्थानों में हमने निरीक्षक पदस्थ किया, जहाँ पर निरीक्षक नहीं मिल रहा है वहाँ पर सहायक निरीक्षक से हम काम कराएंगे। धन्यवाद। गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दिए जाने से खपा समाज के लोगों ने सामूहिक मुंडन संस्कार कर वर्तमान सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। बुधवार को आदिवासी गोवारी समाज के द्वारा नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में वृहद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर संगठन के अध्यक्ष महेश सहारे सहित तमाम पदाधिकारी और सामाजिक बंधु मौजूद रहे। इस सम्मेलन के दौरान प्रमुख अतिथियों ने मंच के माध्यम से अपने विचार रखे। एक बात कहा गया है, क्या है, बड़े मुख्य तीन समाज का कि गोंड प्रथम है, गोंड गोवारा प्रधान और माना, गोंड गोवारा प्रधान माना और पेट देखू शिवली माना, ये पेट पूजने वाला धरती पुत्र है। ये आज हमारे तीनों भाई को अधिकार मिला, माना को मिला, गोंड को मिला, प्रधान को मिला, मगर जो दूसरे नंबर के जाति गोवारी उसका अधिकार को वंचित कर दिया गया है। इस प्रकार से मैं प्रकृति के एक इतिहास की एक एक बात बताना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए मैंने कहा हूँ ये सर्दी ये गर्मी ये कुदरत के नजारे है ये सर्दी। वहीं समाज के लोगों ने सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त कर मुंडन संस्कार कराया। करीब एक सैकड़ा से अधिक लोगों ने मुंडन कराकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं वर्तमान सरकार को मृत घोषित कर भोज करवाया, साथ ही वर्तमान सरकार को आगामी चुनाव में वोट न देने की शपथ ली। इस महारैली में प्रदेश के कोने कोने से हमारे सामाजिक बंधु प्रशासन के द्वारा वो भी अपने उद्बोधन से समाज बंधुओं को संबोधित करें। इस कार्यक्रम के पूर्व गोवारी समाज के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आदिवासी गोवारी समाज संगठन मध्य प्रदेश के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार भारतीय जनता पार्टी के सरकार के खिलाफ में शिवराज चौहान जो मुख्यमंत्री है इनके वादा खिलाफी के कारण और जो क्षेत्र के विधायक और मंत्री है इनकी भी निष्क्रियता के कारण आज आदिवासी गोवारी समाज संगठन ने संकल्प लिया है और समाज के लोगों के बीच में हमने वादा किया है कि आने वाले समय में गोवारी समाज का कोई भी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगा। इसलिए वोट नहीं करेंगे कि संविधान में भारतीय संविधान 342 के अंतर्गत संपूर्ण मध्य प्रदेश में जो गोवारी जाति हमारी अनुसूचित जनजाति में मान्य है। मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान विधानसभा के अंदर भी जब क्वेश्चन लगा हुआ था तो उस समय भी मुख्यमंत्री शिवराज जी चौहान ने जवाब दिया
बालाघाट सहित संपूर्ण मध्य प्रदेश में गोवारी जाति अनुसूचित जनजाति के लिए मान्य है। फिर भी गोवारी जाति को अनुसूचित जनजाति का लाभ नहीं मिल रहा है। हमारी गोवारी समाज को 1985 में षड्यंत्र पूर्वक ओबीसी में डाल दिया गया है और निरंतर 15 साल से हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, विधायक और नेताओं के पीछे घूम घूम के हम परेशान हो गए। इसलिए हम लोगों ने ये कठोर फैसला लिया है कि जिस सरकार ने गोवारी समाज का जो मूल अधिकार है नहीं दिया है, ऐसी सरकार को गोवारी समाज का कोई भी बच्चा वोट नहीं करेगा, मतदान नहीं करेगा। और इसी के कारण हम लोगों ने आज हजारों की संख्या में गोवारी समाज के हमारे कार्यकर्ता साथी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में मुंडन संस्कार का भी कार्यक्रम रखा गया है। नगर के भूड़ी स्थित शासकीय आईटीआई के ट्रेनिंग ऑफिसर उमेश रणगिरे ने संस्थान के प्राचार्य जीएस छोंकर पर मारपीट किए जाने का आरोप लगाते हुए ट्रेड के छात्रों के साथ कोतवाली थाने पहुंचकर प्राचार्य श्री छोंकर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। इस संदर्भ में ट्रेनिंग ऑफिसर श्री रणगिरे ने बताया कि प्राचार्य के द्वारा उन्हें प्लम्बरिंग कार्य के लिए दबाव बनाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर उनके द्वारा हाथापाई की गई, जिसको लेकर उन्होंने प्राचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। घटना मेरे साथ आज हाथापाई की नौबत आ गई, प्रिंसिपल के द्वारा मेरे साथ हाथापाई की गई, जिसमें उन्होंने मुझ पर प्लम्बर के कार्य के लिए दबाव डाल, चूँकि मैं पहले इसमें मना कर चुका हूँ, क्योंकि मैं फीटर ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ और मेरा कार्य जो है फीटर से रिलेटेड वर्क है। और रही बात प्लम्बर के कार्य की, इसकी जो है स्पेशल प्लम्बर ट्रेड होता है, जिसकी जो कि मैं सीटीआई ट्रेनिंग भी करके आया, तो उसमें प्लम्बर का कोई ये नहीं है। ये है कि थ्योरिकल थोड़ी जानकारी रहती है, लेकिन इसका मतलब उसमें जो अन्य ट्रेड के टीओ के द्वारा ये कार्य किया जाता है, चूँकि वो कार्य इस महारत हासिल है, क्योंकि उन्होंने बाहर भी कार्य किया है, इसलिए वो कार्य कर लेते हैं, लेकिन मैं ये कार्य नहीं कर सकता। और मैं इसका उन्हें मौखिक भी जानकारी और दे चुका हूँ कि मैं कार्य नहीं कर सकता सर। लेकिन मारपीट किए हैं आपके साथ? हाँ, मेरे साथ हाथापाई किए हैं। किसने किया? प्रिंसिपल, गवर्नमेंट आईटी प्रिंसिपल जीएस चौधरी, जीएस छोकर के द्वारा। कब की घटना है ये? आज 11 बजे। अच्छा, ये बताएं, आज आप छात्रों को भी लेकर आए हैं, तो क्या उस घटना के ये भी चश्मदीद? बिल्कुल, हमारे सारे ट्रेनिस चश्मदीद गवाह है, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं डाला गया, वो खुद चल करके आए हैं और खुद वो भी बहुत आवेश में है कि सर आपके साथ इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। कब की घटना है ये? आज 11 बजे, दिन 11 बजे की। FIR करा रहे हैं? हाँ, मेरा तो FIR कराने का विचार है, मैं जानता हूँ कि मेरे साथ आगे बहुत खराब होगा। लेकिन वहीं इस मामले में संस्थान के प्राचार्य श्री छोंकर ने कहा कि प्रशिक्षण अधिकारी द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई थी, मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई है। वे इस मामले से ज्वाइंट डायरेक्टर को अवगत कराएंगे। जो यहाँ संस्था में प्लम्बरिंग का ये फिटर के टीचर हैं, और प्लम्बरिंग जो है कोई अलग से विषय नहीं, और जो छोटी मोटी कहीं जो है वाल फिट करना है या कहीं पे छोटी मोटी कोई पाइपलाइन छोटी मोटी जो खराब हो जाती है, उसे करने के लिए इन्हें, मैंने भी कहा इसके पहले, मेरे ट्रेनिंग सुपरिंटेंडेंट द्वारा भी जो है कहा गया था। तो अभी पीछे जो है जब काम चल रहा था, तो मैं और श्री जगदीश मेसराम और एक ट्रेनिंग ऑफिसर मोटर मैकेनिक के थे पंडिल जो है, तो हमें कार वाशिंग स्टेशन उधर जो है हमने बनाया, तो वो पाइपलाइन का काम उन्होंने करवाया भी था। तो मेरा उनसे कहा था कि भाई आप जो है कि ये प्लम्बरिंग का काम क्यों नहीं जो है करते हो, सीखते हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि जो है मेरा कोई काम नहीं है ये, और ना ही मैं करूँगा, जबकि ये एलाइड ट्रेड में प्लम्बरिंग भी एक पार्ट है। और स्टेट वे जो है उत्तेजित होकर के जो है मेरे से जो है उन्होंने जो है गलत भाषा का उपयोग करते हुए जो है और कहा कि मैं नहीं करूँगा। तो मैंने उनसे कहा अच्छा ठीक है, तुम लिख करके दे दो, जबकि मैंने कहा था कि तुम खड़े होकर के वहाँ उनके साथ सीख तो सकते हो ना जी। लेकिन उस आदमी ने जो है नहीं सुनी, और उसने यही जवाब देता रहा कि ये जो है मैं जो है इसे लिख करके जो है दे देता हूँ आपको, तो मैं नहीं करूँगा। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के वायरल हुए वीडियो के मामले में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक शहनाज हिंदुस्तानी ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए मंत्री श्री बिसेन, उनकी पत्नी रेखा बिसेन और बेटी मौसम हरिणखेड़े को चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि वे इस मामले में चुनाव आयोग को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराएंगे। स्टार प्रचारक शहनाज ने कहा कि प्रदेश में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, हम राजनीति नहीं व्यवस्था बदलने आए हैं, व्यवस्था बदलेगी तो सत्ता में बदलाव भी निश्चित है। आपको बताएं कि शहनाज हिंदुस्तानी लांजी में आयोजित एक आम सभा को संबोधित करने बुधवार को बालाघाट पहुंचे थे।
जिन्होंने नगर के हरिनंदा होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में अपनी बात रखी। बालाघाट जिले में एक जनसभा में अपनी बात रखने के लिए आया, ये पास में लांजी विधानसभा में आया। यहाँ मुझे यहाँ तो पता चला कि एक बहुत बड़ा स्टिंग आया है और वो स्टिंग ऐसा है कि आपके मेरे सबके कान खड़े कर देता है। इससे पता चलता है कि आज का जो नेता है वो कितना कमाता है और उसी कमाई के दुरुपयोग से भविष्य में फिर कमाने के लिए तैयार होने की कोशिश करता है, चाहे इसके अंदर चुनाव आचार संहिता का ही उल्लंघन क्यों ना करना। मध्य प्रदेश के एक कृषि मंत्री हैं आपके गौरी शंकर बिसेन, वे उस स्टिंग में ये कह रहे हैं कि 10,000 प्रिंटेड साड़ियां मैं गुजरात सूरत से मंगवाऊंगा। मेरी बहन स्मृति ईरानी, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, मैं वहां से मंगवाऊंगा और 30 लाख उसकी कीमत होती है, वे मैं बांटूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। साथ में ये भी कहते हैं, जब वो साथी कहता है जी और पैसा ये है वो है कहाँ से क्या पैसा, तो वो कहता है कि नहीं नहीं चिंता करने की बात नहीं है, तुम्हें पता नहीं किस तरीके से हमने कृषि जो मंडी है तो मंडी निधि का दुरुपयोग करके उन्होंने निर्माण कार्य है या कृषि महाविद्यालय है मेडिकल कॉलेज है इनकी आड़ में करोड़ों रुपये कमाए और कहते हैं कि और कमाएंगे और इन्हीं पैसों से आगे चुनावों को जीतने में हमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन के वायरल हो रहे वीडियो और वीडियो के संदर्भ में विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को झूठा बताते हुए नगर भाजपा मंडल ने जिला निर्वाचन आयोग को 3 ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें उन्होंने वायरल हो रहे उस वीडियो की सूक्ष्मता से जांच कराए जाने और मूल वीडियो के साथ छेड़छाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने समाजवादी पार्टी नेता कंकर मुंजारी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और मीडिया में झूठी अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। अनुमति के कार्यक्रम दे रहे हैं कि बिना अनुमति के कार्यक्रम करते ऐसा भ्रामक प्रचार चल रहा है, इसको कैसे समाज में हमारी तो प्रतिष्ठा खराब हो रही है। हमारी पार्टी हमारे नेताओं की प्रतिष्ठा इस पास और सीधे आप आरोप लगा दे रहे हैं, कहीं की भी साड़ी उठा के ला ले रहे हैं, मीडिया को दिखा रहे हैं, तो इससे हमारी छवि धूमिल हो रही पार्टी की हमारे नेताओं की। और दूसरी चीज कि ये इनके घरों में उत्तर प्रदेश की गाड़ियां आ रही हैं, उत्तर प्रदेश के लोग यहां पे आके उठ रहे हैं। समाजवादी पार्टी का इतिहास उत्तर प्रदेश में रहा है, उन्होंने बाहुबल को वहां पर बढ़ावा दिया है, तो ऐसे जितने भी लोग उत्तर प्रदेश से बालाघाट में आने वाले हैं उनके पहले पूरे अपराधों की जाँच की जाए। वो गाड़ी में अनुमति लिया बाहर से आने वाला नहीं, वो आप लोग जाँच करिए। हमारी जानकारी में हमको ये मालूम है कि उत्तर प्रदेश पासिंग की जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं उसमें आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आ रहे हैं, इसकी जांच निवेदन है आपसे कि जांच करें और उनकी हर गतिविधियों पर सूक्ष्मता से नजर रखी जाए। मामले के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने बताया कि समाजवादी पार्टी नेता कंकर मुंजारी की शिकायत भाजपा नगर मंडल द्वारा जिला निर्वाचन आयोग से की गई है, जिसमें भाजपा पार्टी द्वारा समाजवादी पार्टी नेता मुंजारी पर कार्रवाई किए जाने की मांग की। अभी जो कुछ दिनों से वातावरण दूषित करने का प्रयास किया जा रहा है, शिकायत करने के लिए हम मना किसी को नहीं करते, लेकिन कुल मिलाकर के कि जो सही चीज़ हो उसका यदि कोई शिकायत करे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। जैसे कल ही वीडियो जारी हुए, हमारा कहना है कि उस पर सूक्ष्मता से उसकी जांच हो जाए, यदि वो सही है तो हमें भी कुछ नहीं कहना है। हमारा कहना है कि उसमें तोड़ फोड़ करके तोड़ मरोड़ किया गया है, उसमें छेड़छाड़ हुई है, उसकी जाँच प्रशासन कराए। वहीं भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि समाजवादी पार्टी के पास कोई चुनावी मुद्दा नहीं है, जिसके चलते मुंजारे दंपति मंत्री बिसेन पर झूठे आरोप लगा रहे हैं। विकास को लेकर चुनाव में उतरी है, लेकिन हमारे विरोधी हमारे विकास से परेशान होके उलझलूल आरोप लगातार आप देखिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने लालबर्रा के दोनों ही आयोजन विधिवत अनुमति लेके करी है, उसकी एक एक चीज की अनुमति ली गई है जब वो आयोजन किए गए हैं, लेकिन बिना तथ्यों के आधार पे कंकर मुंजारी जी, अनुभव मुंजारी जी, क्योंकि उनके पास कोई चुनावी एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई ऐसी बात करने के लिए नहीं है, इसलिए वे ऐसे झूठे आरोप लगा के चुनाव में लाभ लेना चाहते हैं, उसी की शिकायत हमने चुनाव आयोग से की है। साथ ही जिस तरीके से बालाघाट शांति का टापू कहलाता है, यहाँ पे अनेक उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी की छवि रही जिसके कारण उनको सत्ता से बाहर होना पड़ा है बाहुबल के कारण, उसका उपयोग बालाघाट में हो सकता है ऐसी संभावनाएं हैं। अनेक उत्तर प्रदेश की पासिंग की गाड़ियां बालाघाट में देखी जा रही, तो ऐसे सभी उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों की जांच की जाए, ये प्रशासन से हमने मांग की है।
वहीं इस पूरे मामले को लेकर की गई चर्चा के दौरान अपर कलेक्टर सी गोविंद मरकाम ने अपने विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। क्या मुद्दे को लेकर दिए? ये जो पेपर न्यूज वगैरह में आ रहा है न्यूज, उसके बारे में 3 अलग अलग प्रकार के ज्ञापन दिया हुआ है और उनके द्वारा सीटी कैसेट भी प्रस्तुत की गई है। तो उसकी अब हम अपने जो टीम बनी हुई है जिला स्तरीय, उससे थोड़ा छानबीन करेंगे कि उसमें वो वीडियो में या सीडी में क्या क्या है। अगर उसको सीडी में गलत वगैरह जैसे वाले अपना होगा, आचार संहिता का उल्लंघन होगा, तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो इस मामले में मीडिया की बात करें, मीडिया में खबर छापने को लेकर बात कर रहे हैं कि मीडिया में जो खबर छपी है, इस मामले की शिकायत को लेकर क्या बात? नहीं तो मीडिया में जो शिकायत है तो उसका अपना जिला स्तरीय टीम है, अब वो टीम में हम वायलेशन भर देखेंगे कि उसमें आचार संहिता का कहाँ तक उल्लंघन है। अगर उल्लंघन होगा तभी हम लोग कार्रवाई कर पाएंगे। लोहा पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के द्वारा एकता रैली और एकता दौड़ का आयोजन किया गया। नगर के हनुमान चौक से एकता रैली निकाली गई, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक पहुंची, जहां से एकता दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। यहां एकता दौड़ हनुमान चौक में संपन्न हुई, जहां अतिथियों के द्वारा दौड़ में अव्वल आए प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के चेयरमैन दिवाकर सिंह सहित अन्य गणमान्य जन और कॉलेज का स्टाफ मौजूद रहा। अवसर पर जिला प्रशासन के द्वारा मुल्ला स्टेडियम से रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त युवा खिलाड़ी और स्कूल के छात्र छात्राएं शामिल हुए। यहां दौड़ नगर के हनुमान चौक से होते हुए मुल्ला स्टेडियम में संपन्न हुई, जहां पुरस्कारों का वितरण किया गया। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत जनपद पंचायत के मार्गदर्शन में स्कूली विद्यार्थियों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से मतदाताओं को जागरूक किया। वहीं टिहलीबाई स्कूल की बाउंड्री वॉल पर मतदाता संबंधी पेंटिंग बनाकर मतदाताओं को जागरूक किया गया। मैं माया चौधरी, अध्यापक टिहलीबाई उत्कृष्ट विद्यालय वारासिनी। यहाँ पे जो प्रतियोगिता कराई जा रही है वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता, ये जनपद पंचायत के द्वारा कराई जा रही है। जो मतदान हमारा अधिकार है, मतदाताओं में जागरूकता लाने के लिए मतदान के प्रति
जागरूकता फैलाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगिता कराई जा रही हैं, जिसमें वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन आज टीली बाई मिडिल स्कूल में किया जा रहा है, और जिसमें उत्कृष्ट विद्यालय के विद्यार्थियों के द्वारा वॉल पेंटिंग बनाई जा रही है। हम इसके साथ साथ प्राइवेट स्कूल के भी छात्र हैं जिन्होंने इसमें भाग लिया। क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये संदेश देना चाह रहे हैं कि मतदान के प्रति जागरूकता लोगों में थोड़ी कम दिखाई दे रही है, तो मतदान हमारा अधिकार है, उसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए। रजेगांव किरनापुर रोड देवगांव के पास एक व्यक्ति रोड के किनारे घायल बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला। यह व्यक्ति उमेश भोंडेकर ग्राम देवगांव का निवासी है। संभावना जताई जा रही है कि कोई वाहन उमेश को ठोकर मारकर फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक उमेश बुधवार को रजेगांव से देवगांव के बीच घायल हालत में देखा गया था, जिसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, जिसे तत्काल 108 एम्बुलेंस की मदद से किरनापुर हॉस्पिटल ले जाया गया, जिसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस प्रशासन के द्वारा आगामी चुनाव को लेकर लोगों में सुरक्षा के भाव पैदा करने के मकसद से बुधवार को कोतवाली थाने से फ्लैग मार्च निकाला गया, जो नगर का भ्रमण करते हुए कोतवाली थाने में संपन्न हुआ। कॉलेज के छात्र छात्राओं के द्वारा सामुदायिक भवन मंडी परिसर से कैंडल मार्च निकालकर जागरूकता अभियान चलाया गया। कैंडल मार्च ने नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए लोगों को मतदान करने का संदेश दिया। एक बार जोर से एनएसएस की ओर से सारे काम जोर आपका परिचय? भूपेंद्र कुमार शुक्ला। सर, किस संबंध में रैली निकाली गई आपके द्वारा? ये मतदाता जागरूकता रैली हम लोग निकाले हैं, जिससे कि सब कोई अपने मतदान के प्रति सजग हो और एक स्वस्थ और अच्छी सरकार के निर्माण में अपना सहयोग प्रदान करें। कौन कौन शामिल हुआ इस रैली में आपके साथ? हम टीचर हैं और हमारे कॉलेज के बच्चे हैं। क्या उद्देश्य को लेके निकाली जा रही है? मेन उद्देश्य क्या है इसका? मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, जो अपना मतदान लोग लालच में ना आए, स्वस्थ मतदान करें। लालबर्रा तहसील कार्यालय में अस्थायी पटाखा लाइसेंस व्यापारियों की आवश्यक बैठक आहूत की गई। इस बैठक के दौरान प्रभारी तहसीलदार नितिन कुमार चौधरी की मौजूदगी में हाईस्कूल मैदान में लगाई जाने वाली पटाखा दुकानों को लेकर ड्रॉ सिस्टम से व्यापारियों को दुकानें आवंटित की गई। सर, किस संबंध में आप इकट्ठित हुए यहाँ पे? आज जो दीपावली पर्व के दौरान जो समस्त पटाखा लाइसेंस धारियों की जो अस्थायी रूप से 3 से 4 दिन जो दुकानें लगती, उस संबंध में आज यहाँ पे तहसील कार्यालय में सभी लाइसेंस धारियों को बुलाया गया था, और ड्रा सिस्टम के माध्यम से समस्त दुकानों का तहसीलदार महोदय ने ड्रा निकाला, जिसको सभी क्रम अनुसार सभी दुकानदारों को दुकान की लिए जगह दी गई। ऐसा कितनी दुकानें लगी जा रही है इसमें? लगभग 19 दुकानों का यहाँ पे ड्रा के माध्यम से। वारासिवनी तहसील कार्यालय में जारी द्वितीय चरण के 2 और 3 मतदान अधिकारी के मतदान प्रशिक्षण का बुधवार को समापन किया गया। यह प्रशिक्षण मास्टर ट्रेनर्स डीसी डहरवाल के द्वारा दिया गया। और
अंतर्गत बालाघाट के मुख्य मार्ग में रोड निर्माण किया जा रहा है, जिसमें वार्ड नंबर 4 में निर्माण कार्य हादसों को आमंत्रण दे रहा है, जहां दुकानों के सामने नाली खोदकर और निर्माण मटेरियल रोड पर डालकर आवागमन बाधित किया जा रहा है। वार्डवासियों का कहना है कि सड़क निर्माण सामग्री रोड में डाले जाने से आवागमन में काफी दिक्कतें आ रही हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ करवाकर वार्डवासियों को इस समस्या से निजात दिलाई जाए। आपका नाम? बलराम दमाई। ये जो नाली का निर्माण किया, उसके सामने आपकी दुकान है? जी जी। किस चीज़ की दुकान है? ये हार्डवेयर शॉप है मेरी। इनने 15-20 दिन हो गया इस नाली को खोद के रखे हैं और मटेरियल रोड पे डाला हुआ है, लेकिन जो काम करने वाला इनका ठेकेदार था वो मशीनरी लेके यहाँ से चला गया है। इससे ये सब खराब होने से हमारी दुकानदारी में बहुत फर्क पड़ रहा है और आवागमन में भी बहुत दिक्कतें आ रही है। कल एक्सीडेंट होते होते बचा, एक साइकिल वाला डंपर के नीचे आ रहा था, लेकिन थोड़े बहुत के लिए बच गया। वो मटेरियल के कारण क्या दिक्कत बहुत जा रही है रोड पे। जैसे मान लीजिए जो मटेरियल रोड पे फैला दिया गया, तो उसकी रोड की कितनी जगह बची हुई है आने आने के हिसाब से? मुश्किल से 5 फीट जगह बची हुई है। अगला वाला सोचता मैं पहले निकल जाऊँ, उस चक्कर में टकरा जा रहे हैं। हादसे हो रहे हैं। कल को अगर कोई बड़ा हादसा हो गया तो जनप्रतिनिधि सिर्फ सांत्वना देने आते हैं, बाकी टाइम बिल्कुल यहाँ से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनप्रतिनिधि पैसा कोई ध्यान नहीं दे रहे? कोई ध्यान नहीं। जबकि इस रोड से सब चल रहे हैं, मेन रोड है बालाघाट का, बालाघाट आना जाना कर रहे हैं, उनको दिख रहा है रोड, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। सर आपका पूरा नाम? लालित कुमार मिश्रा। और सर कहाँ पर रहते हैं? यही वार्ड नंबर 4 वाला से। सर ये जो नाली का निर्माण किया, कब से कार्य बंद है यहाँ? ये दुर्गा अष्टमी के पहले ने नाली खोदे हैं और उसके बाद से अष्टमी से काम बंद करके चले गए हैं। अभी क्या परेशानियाँ आ रही है? परेशानी ये हो रही है तो दीपावली है, क्या बोलते हैं सामने, क्या बोलते हैं पूरा मटेरियल बकरा दिए इन्हें, दिखाई रहा है आपको पूरा मटेरियल बकरा हुआ है, जिससे रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल भी एक ट्रक, क्या बोलते हैं यहाँ पे, ट्रक के चपेट में आते आते बचा है। क्या होते हैं, या तो मटेरियल नहीं बनाना है तो नाली बुझा दें, अपना मटेरियल क्लियर कर देंगे। तो जो रोड का निर्माण किया है, रोड का निर्माण भी किस तरह से किया गया? रोड का निर्माण तो बस हो ही रहा है, वो तो सबको दिख रहा है क्या है, कितनी अच्छी गति से हो रहा है और क्या हो रहा है। अपना गुणवत्ता ही में किया जा रहा है, जिसे ये डिवाइडर बन रहे हैं तो ना सलाख है ना कुछ है, कुछ नहीं। जैसे यहाँ पे अभी जो नाली का निर्माण किया जाना है तो कहीं सामने में कोई बैरिकेड्स लगाएं, इन लोगों की सावधानी? कुछ नहीं दिख ही रहा है, आप देख लीजिए सामने आगे तक। आने कंपनी पे लापरवाही बरत रही है? मैंने आदमी की जान की जन से सुरक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, केवल अपना काम करो और भागो वाला हिसाब है। अभी इस वजह से हादसे भी हो रहे हैं? हादसे रोज ही हो रहे हैं ना, रोज ही हो रहे हैं। अभी शाम होगी, शाम को यहाँ पे जानवरों का जमवाड़ा लग जाएगा। इस संबंध में MPRDC अधिकारी दिलीप टेकाम से चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया। परसवाड़ा के ग्राम लिंगा के एक व्यक्ति गिरधारी लाल चिचखेड़े ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके घर में फांसी पर लटकी हुई लाश पुलिस के द्वारा बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक गिरधारी लाल ग्राम डोरली का कोटवार था, जो करीब 1 साल से लकवा की बीमारी से पीड़ित था और करीब 5 माह से उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। 31 अक्टूबर को जब गिरधारी लाल के परिजन धान काटने खेत गए हुए थे, तभी गिरधारी लाल ने अपने घर में फांसी लगा कर ली थी। परिजनों के द्वारा इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिनके द्वारा मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की गई। पुलिस महानिरीक्षक रेंज बालाघाट की स्थायी वारंटी टीम ने चेक बाउंस के मामले में 7 वर्ष से फरार स्थायी वारंटी बलराम छुटवानी को महाराष्ट्र राज्य के गढ़चिरौली जिले से गिरफ्तार किया। बालाघाट निवासी इस आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। लालबर्रा सिवनी रोड पावर हाउस के पास बुधवार को मोटरसाइकिल और साइकिल की भिड़ंत में चरेगांव नेवर गांव निवासी युवक अजीत अड़मे गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे 108 एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालबर्रा लाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आपका नाम? धनजरा मलगा। हाँ, कैसी क्या घटना हुई आपके साथ में ये? हाँ, मेरा भाई है, मैं मौसी का लड़का। गाड़ी चला रहे थे? हाँ। आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम मेरे गांव से यहाँ लालबर्रा आ रहे थे। हाँ, बीजा टोला से लालबर्रा। तो कैसी क्या घटना हुई आपके साथ में ये, कहाँ टकरा गए? वो साइकिल वाला था तो सामने आ गए। तो आप किसी से चोट लगी, आप ही को लगी कि उनको भी लगी है? उनको नहीं लगी है, साइकिल वाले को उसी को लगी है गाड़ी। आपके क्या नाम लिखते हैं ये? अजीत आड़मे। अजीत आड़मे। कहाँ रहते हैं? चारेगांव में।
वहीं लालबर्रा रोड पर भी इसी प्रकार एक और घटना घटित हुई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार सेवक राम कोवड़े ग्राम बिठली निवासी गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल से मेडिकल नागपुर रेफर किया गया। ग्रामीण थाना अंतर्गत ग्राम लिंगा में 2 वर्षीय बालक नवेंद्र पाचे खेलते समय अपने घर के पानी के टांके में गिर गया, जिसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। वहीं मासूम के शव को जिला अस्पताल के शीत गृह में रखा गया, जिसका पोस्टमार्टम 1 नवंबर को किया जाएगा। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जय स्तंभ चौक स्थित हजरत चांद शाह वली दरगाह में 3 दिवसीय सालाना उर्स का आयोजन किया गया है। 30 अक्टूबर से शुरू इस सालाना उर्स के मौके पर आयोजकों द्वारा रोजाना ही विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को दरगाह शरीफ से एक शाही संदल निकाला गया, जो बूढ़ी अस्पताल होते हुए रानी अवंतीबाई चौक, कालीपुतली चौक, अंबेडकर चौक होते हुए जय स्तंभ चौक से सीधे दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां अकीदतमंदों द्वारा दरगाह शरीफ में चादर और फूल पेश किए गए। हेडलाइंस पर एक बार फिर, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करने बाराघाट पहुंचे प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बी कांताराव, कलेक्ट्रेट में बैठक लेकर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का दर्जा न दिए जाने पर समाज के लोगों ने कराया मुंडन, भाजपा को वोट न देने की ली शपथ, निकाली महारैली, सम्मेलन में गर्जे पदाधिकारी। आईटीआई के प्राचार्य पर ट्रेनिंग ऑफिसर ने लगाया मारपीट का आरोप, कोतवाली थाने में दर्ज करवाई शिकायत। नगर भाजपा मंडल ने जिला निर्वाचन आयोग को सौंपा ज्ञापन, समाजवादी पार्टी नेता कंकर मुंजारी की शिकायत, वायरल वीडियो से जुड़ा है मामला। और डोरली के कोटवार ने घर में लगा ली फांसी, करीब 1 साल से लकवा से पीड़ित था मृतक। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.balaghatexpress.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही, अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। We'll be right back.